Assalamu alaikum, dear students. I am Feroz Shah. Welcome to Physics with Feroz Shah. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का जो सिर्फ एक टॉपिक सिलेबस ऑफ पीएमसी में शामिल है, जो आप आने वाले टेस्ट में एमसीक्यूज फेस करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से, उस टॉपिक रेक्टिफिकेशन का फुल डिटेल और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस रेक्टिफिकेशन। मैं मेन पॉइंट्स अलोंग विद एमसीक्यूज डिस्कशन करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट रेक्टिफिकेशन इज, जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, वो होता है, वो क्या है कि रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल मतलब है, फर्ज करो ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एंड इट इज अ बल्ब। और माय डियर स्टूडेंट, अगेन लेट मी कंसीडर इट इज अ बल्ब और ये वही इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। फर्ज करो यहां पर करंट एसी है और एसी का मतलब ये है कि करंट दोनों डायरेक्शन से आएगा, इधर से आएगा और क्लॉकवाइज गुजर कर चला जाएगा और इस साइड से आएगा और एंटी क्लॉकवाइज गुजर कर चला जाएगा। यानी करंट कभी इधर से आएगा और यूं गुजर कर ऐसे जाएगा। डिवाइस में दिस करंट इज क्लॉकवाइज। थोड़ी देर के बाद ये करंट इधर से आएगा और यूं गुजर कर ऐसे चला जाएगा एंड दिस करंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट कभी क्लॉक कभी एंटी क्लॉक, सो दिस इज एसी करंट। ये एसी करंट है। हम इस डिवाइस के साथ या सर्किट के साथ ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से ये टू डायरेक्शनल करंट वन डायरेक्शन में बदल जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्या मतलब है? फर्ज करो मैं कहूं कि मैं ऐसा कुछ करूं कि यहां से आने वाला करंट तो गुजर जाए ऐसे, यानी क्लॉकवाइज करंट तो गुजर जाए, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाए तो इसे हम ब्लॉक कर दें, खत्म कर दें, इसे स्टॉप कर दें कि भाई तुम नहीं गुजर सकते हो, और उसकी बारी खत्म तो एक बार फिर क्लॉकवाइज करंट आए और फिर क्लॉकवाइज गुजर जाए, उसके बाद फिर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा हो तो ये ब्लॉक हो जाए या हम इसको स्टॉप करें या कन्वर्ट करें, लेकिन फिर क्लॉकवाइज करंट आ जाए और गुजर जाए, सो इट मीन के करंट अब क्या बन गया है, नाउ द करंट इज डीसी। ये करंट डीसी कहलाता है। एसी को डीसी बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, मैंने आपको पॉइंट नंबर वन का मतलब समझाया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। द सेकेंड पॉइंट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज दैट द डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, जो डिवाइस आप रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो उसका नाम होता है रेक्टिफायर, उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। एसी को डीसी बनाना रेक्टिफिकेशन है और इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस रेक्टिफायर है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन अबाउट रेक्टिफिकेशन, अगर आपसे कहूं कि द इनवर्स प्रोसेस या द अपोजिट मैनर प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज ऑप्शन ए, वो प्रोसेस जो रेक्टिफिकेशन का अपोजिट है, ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी इट इज एम्प्लीफिकेशन और ऑप्शन सी इट इज इन्वर्जन और ऑप्शन डी द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज पोलराइजेशन।
तो आपका आंसर क्या होगा? द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन. इन्वर्जन इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट डीसी टू एसी. अगर आप डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करोगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन. और इन्वर्जन के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है, द डिवाइस यूज इज कॉल्ड इन्वर्टर. सो द रेसिप्रोकल या द अपोजिट नेचर ऑफ रेक्टिफायर इज इन्वर्टर. रेक्टिफायर का अपोजिट इन्वर्टर है और रेक्टिफिकेशन का अपोजिट इन्वर्जन है. और रेक्टिफिकेशन एसी को डीसी बनाता है और इन्वर्जन डीसी को वापस एसी बनाता है. ये तो दो पॉइंट्स थे, आपको समझा दिए. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री. पूरा प्रोसेस, पूरा टॉपिक हम पॉइंट्स में और एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरे चैप्टर से सिर्फ यही एक टॉपिक सिलेबस में शामिल है. पॉइंट नंबर थ्री. अब पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास क्या है, वो ये है दैट ऑल रेक्टिफायर्स आर रेक्टिफिकेशन प्रोसेसेस. जितने भी रेक्टिफिकेशन के प्रोसेसेस हैं, आर रेक्टिफिकेशन प्रोसेसेस नीड डायोड एज रेक्टिफायर. जितने भी रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस हैं वो डायोड से होते हैं. सो आप कह सकते हो कि डायोड इज अ मेजर, इज अ कंपल्सरी पार्ट या फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर. ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेक्टिफायर हो और उसमें डायोड ना हो. हर रेक्टिफायर में डायोड होता है. और आसान लफ्ज बोलूं तो रेक्टिफिकेशन कैन बी डन या रेक्टिफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग डायोड. और इसी बात करूं तो द एक्चुअल एंड द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ डायोड इज रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायोड. डायोड को हम रेक्टिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं. पॉइंट नंबर फोर. अब पॉइंट नंबर फोर क्या है, डायोड इज आल्सो कॉल्ड पीएन जंक्शन. द सेकेंड नेम ऑफ डायोड इज पीएन जंक्शन. इसको पीएन जंक्शन कहते हैं. डायोड का सिंबल ऐसे होता है, ये डायोड का सिंबल ये होता है. सर्किट में जब भी ये सिंबल देखो तो समझ जाना ये एक डायोड है. इसकी खासियत क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस डायोड की खासियत ये है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो करंट एरो के डायरेक्शन में आएगा, जो करंट एरो के डायरेक्शन में आएगा, एरो ऑफ डायोड के डायरेक्शन में आने वाला करंट होगा. सो इट इज अलाउड. ये करंट अलाउड है, तुम जा सकते हो. डायोड इसे कहता है तुम जा सकते हो. लेकिन याद रखें, जो करंट एरो ऑफ डायोड के अपोजिट आएगा, जो करंट एरो ऑफ डायोड के अपोजिट आएगा, इट विल बी ब्लॉक्ड. ये इस करंट को पास नहीं करेगा. अगर ये डिवाइस सर्किट में लगा है तो जो करंट एरो के डायरेक्शन में आएगा वो पास होगा और जो एरो के अपोजिट वर्जन में आएगा वो ब्लॉक होगा. ये डायोड की खासियत है. ओके, ठीक है. इसका मतलब तो ये हुआ कि डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट पास करता है. डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट पास करता है. डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट पास करता है. ये है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट नंबर फोर. अब मैं आपको रेक्टिफिकेशन का पॉइंट नंबर फाइव बता रहा हूं. रेक्टिफिकेशन का आइडिया क्या है? द आइडिया ऑफ रेक्टिफिकेशन इज, आइडिया ऑफ रेक्टिफिकेशन इज ऐसा प्रोसेस, गौर करें, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनपुट अल्टरनेटिंग हो, इनपुट अल्टरनेटिंग हो, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए. इसका आउटपुट डायरेक्ट होगा. मतलब क्या है इसका? सिंपल मतलब है, सीधा सा मतलब है कि अगर ये ग्राफ है, ये टाइम का एक्सिस है. बहुत आसान सिंपल बातें हैं, मुश्किल नहीं है हमारे स्टूडेंट्स. और ये है हमारे स्टूडेंट्स वोल्टेज,
ये इनपुट वोल्टेज है या इनपुट कह देता हूं, ये इनपुट है। और यहां पर आपने एक डिवाइस लगाया है जिस डिवाइस का नाम है रिक्टिफायर। यहां डिवाइस है रिक्टिफायर, याद रखो रिक्टिफायर में वन डायोड भी हो सकता है, एक डायोड का रिक्टिफायर भी हो सकता है, टू डायोड का रिक्टिफायर भी हो सकता है, और फोर डायोड्स का रिक्टिफायर भी हो सकता है। एनी हाउ रिक्टिफायर में डायोड होते हैं, वो आपको मैंने बताया। कब कितने डायोड होंगे बताने वाला हूं। ये हमारे पास इनपुट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चूंकि इनपुट अल्टरनेटिंग होगा, रेक्टिफिकेशन का इनपुट अल्टरनेटिंग है, और अल्टरनेटिंग ये होता है कि कभी एक तरफ जाता है हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ साइकिल में नेगेटिव, हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव। अगर ये इनपुट वोल्टेज ले रहे हो तो हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव, अगर ये इनपुट करंट ले रहे हो तो हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज और हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ग्राफ ऑफ इनपुट क्या होगा, हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज और हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी द ग्राफ ऑफ इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल ऑफ रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस का इनपुट हमेशा अल्टरनेटिंग होता है। इनपुट सिग्नल का ग्राफ कभी पॉजिटिव आधे साइकिल में और आधे साइकिल में नेगेटिव, आप इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो, और आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हो। और अल्टरनेटिंग का मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आना, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना, क्लॉक से एंटी में आना, एंटी से क्लॉक में जाना। लेकिन अगर आप ये इनपुट रेक्टिफायर को दे दो तो रेक्टिफायर के बाद ये इनपुट जो आउटपुट बनकर आएगा, अब रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, द आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर चाहे करंट हो, अगर इनपुट में करंट ले रहे हो तो आउटपुट में भी करंट ले रहे हो, और अगर इनपुट में वोल्टेज ले रहे हो तो आउटपुट में वोल्टेज ले रहे हो, लेकिन आउटपुट हमेशा हम करंट काउंट करते हैं, ठीक है। माय स्टूडेंट, आउटपुट है करंट है। सो याद रखना, अगर ये रेक्टिफायर है तो आउटपुट में सिर्फ एक डायरेक्शन के पल्सेस होंगे, ऑनली एक डायरेक्शन में पल्सेस होंगे, दूसरा डायरेक्शन पल्सेस नहीं होंगे। और जब एक डायरेक्शन में पल्सेस आते हैं तो आउटपुट बिकम डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आउटपुट है, ये अल्टरनेटिंग इनपुट है। इट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये भी तो आसान है कि आप वोल्टेज हटा दो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हटा दो, बैटरी लगा दो, एसी डीसी में बदल जाएगा, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि फिर इनपुट भी डीसी है, आउटपुट भी डीसी है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि इनपुट तो अल्टरनेटिंग होगा लेकिन आउटपुट जो है वो डायरेक्ट होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। लेट मी प्रोसीड, इट इज पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 5 था। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 6 ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का पॉइंट नंबर 6 क्या है वो मुलाहिजा करें। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन के जो थ्री टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन, इसमें जो पहला वाला होता है उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और जो सेकेंड नंबर पे है दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं इसे। और जो थर्ड नंबर पे है उसे बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन और ब्रिज रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और ब्रिज रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यहां मैं लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस दे रहा हूं। इतना तो आप समझ गए कि तीनों रेक्टिफिकेशन है तो तीनों के इनपुट सेम होंगे, इनपुट में सेम हुई, इनपुट सेम होंगे, अल्टरनेटिंग होंगे, थोड़ी देर के लिए हाफ साइकिल के लिए क्लॉकवाइज, हाफ साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज, आउटपुट में फर्क होगा, इन तीनों के आउटपुट के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में फर्क होगा और इनके स्ट्रक्चर में फर्क होगा, इनके वर्किंग मैकेनिज्म में फर्क होगा, लेकिन इनका इनपुट सिग्नल सेम रहेगा। जो इनपुट सिग्नल अल्टरनेटिंग
इस रेक्टिफिकेशन में होगा, वो इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा, ओके ठीक है। हाफ पेयर रेक्टिफायर में याद रखो वन डायोड इस्तेमाल होता है, इसमें डायोड की तादाद एक होती है और इसमें डायोड की तादाद दो होती है, और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की तादाद फोर होती है। डायोड्स इन ब्रिज रेक्टिफायर आर फोर, इन फुल रेक्टिफिकेशन इट इज टू एंड इन हाफ रेक्टिफिकेशन इट इज वन। ये भी याद रखें कि फुल रेक्टिफिकेशन को या फुल रेक्टिफायर को सेंटर टेप रेक्टिफायर भी कहते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। ये तो एक छोटा सा फर्क नंबर ऑफ डायोड्स में फर्क आपने देखा, सीखा, पढ़ा। याद रखें आउटपुट क्या होगा, इसका आइडिया मैकेनिज्म क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, माय डियर स्टूडेंट्स, द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हाफ रेक्टिफायर, ये आपके पसंदीदा, ये आपके पसंदीदा डायरेक्शन को अलाउ करेगा कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, और आपके नापसंदीदा, आपके नापसंदीदा, जूम कर लीजिएगा अगर नजर नहीं आ रहा, नापसंदीदा डायरेक्शन को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक मींस के इस दौरान आउटपुट जीरो रहेगा, नहीं मिलेगा आपको। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखें। इसका माय डियर स्टूडेंट वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि ये आपके पसंदीदा डायरेक्शन से कहेगा चले जाओ, चले जाओ, पसंदीदा डायरेक्शन अलाउड, अलाउ करेगा और पास करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका नापसंदीदा डायरेक्शन है, पसंदीदा नापसंदीदा कहां से आ गए जनाब, आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि सर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, एसी को डीसी में बदल रहे हैं, एसी में क्लॉकवाइज भी है, एंटी भी है, और हमें सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, तो दोनों में एक आपका पसंदीदा है जो आपको चाहिए और एक नापसंदीदा है जो आपको नहीं चाहिए, इसी को बदल रहे हो। तो नापसंदीदा डायरेक्शन याद रखे, इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट टू पसंदीदा, ये आपके पसंदीदा डायरेक्शन में कन्वर्ट करके पास करेगा और अलाउ करेगा इसे, अलाउ। गौर से देखिए, मेरे हाथों को देखिएगा, इनपुट सिग्नल आ रहा है, काइंडली फोकस करें, ये इनपुट सिग्नल आ रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये इनपुट सिग्नल है इन दोनों रेक्टिफायर का, हाफ वेव एंड फुल वेव का। हाफ वेव को आपने दे दिया और आपका पसंदीदा क्लॉकवाइज है, तो जब क्लॉकवाइज उसको मिला, इसे कहते हैं चले जाओ, चले जाओ। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज हुआ, हाफ रेक्टिफायर ने दरवाजा बंद कर दिया और इस दौरान आउटपुट जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको आउटपुट सिग्नल्स पर। ये हाफ रेक्टिफिकेशन का उसूल है। अब यही कभी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज सिग्नल आप फुल वेव रेक्टिफायर को दोगे तो पता है ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज आपका पसंदीदा है, ये क्लॉकवाइज से कहेगा गुजर जाओ, और एंटी क्लॉकवाइज से कहेगा ठहरो, इसको उठाकर क्लॉकवाइज बना देगा और कहेगा अब गुजर जाओ। तो दोनों का फर्क समझ गए हैं कि मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज के डिजायर्ड डायरेक्शन इज अलाउड व्हाइल अनडिजायर्ड डायरेक्शन मस्ट बी ब्लॉक्ड एंड द आउटपुट एट दैट टाइम विल बी जीरो। बट इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन या इन फुल वेव रेक्टिफायर द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग इज दैट डिजायर्ड डायरेक्शन इज अलाउड टू पास but undesired direction will get two steps. In first step, it will be converted to desired and then it will be allowed to pass. So therefore, इसमें हर वक्त आपको output मिलेगा, continuously आपको output मिलेगा, pulse जो है वो कभी missing नहीं होगा। Similar case of that, ये भी क्या करता है, same mechanism, मैं लिखूंगा नहीं जना, यहां लिख दूंगा same mechanism, same mechanism is full wave rectifier, is full wave rectifier, same mechanism as full wave rectifier। ये differences है हमारे student इनमें। फिर आप कहेंगे, बेशक आप सोच सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि सर अगर diode 4 है और diode 3 है, sorry 2 है, और ये दोनों same काम करते हैं, तो फिर difference क्या है? Keep it in mind,
ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट बेस्ट क्वालिटी का होता है, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होता, वो एक स्टेबल आउटपुट देता है, एक बेहतरीन आउटपुट देता है। ये वही आउटपुट देता है लेकिन क्वालिटी लो होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे समझिएगा कि एक पुराना ओल्ड फोटोकॉपियर है, बड़ा फोटोस्टेट वाला मशीन है जिसमें आम सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल होते हैं, तो उससे फोटोकॉपी करेंगे तो क्वालिटी, इमेज वगैरह सब, राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर सेम, लेकिन क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सही नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ डुप्लीकेट या इमेज का क्वालिटी ठीक नहीं होगी, जगह जगह डॉट्स से होंगे, थोड़ा बहुत वर्ड मिसिंग होगा। लेकिन अगर आप लेजर प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे तो सब कुछ उसमें भी वही होगा लेकिन बेस्ट क्वालिटी का होगा, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इट इज लाइक दैट, ब्रिज रेक्टिफायर का डिस्टॉर्शन कम होता है और ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल जो है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस वन। फर्दर मोर एक और भी पॉइंट है, फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में लो सर्किट्स में यूज होता है जिसमें लोड कम होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर से हम जो रेक्टिफाइड सिग्नल लेते हैं आउटपुट, वो हैवी लोड्स और हैवी सर्किट्स में काम आते हैं, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर वहां काम करता है। एक और भी बात बता दूं कि ब्रिज रेक्टिफायर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ कोर्स है। पूरे FSC लेवल में किसी भी बुक में ब्रिज रेक्टिफायर का डिटेल नहीं है, सो ये सिलेबस तो छोड़े, ये कोर्स में भी नहीं है। लेकिन एहतियातन 3-4-5 पॉइंट्स है, इसको याद रखें, इसके सर्किट में और इसके स्ट्रक्चर में झांकने की जरूरत नहीं है आपको। लेट मी प्रोसीड, मैं बता रहा हूं फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में डिफरेंसेस। एक डिफरेंस, दो डिफरेंस आपने नंबर ऑफ डायोड्स सीखे और वर्किंग मैकेनिज्म में देखे। फर्दर मोर याद रखिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी अनचेंज होती है। अनचेंज का मतलब क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही तो टाइम पीरियड भी नहीं बदल रहा, एंड टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट सिग्नल। लेकिन याद रखें और हमेशा याद रखें कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये फ्रीक्वेंसी को डबल बनाता है और टाइम पीरियड को हाफ करता है। डबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, और माय डियर स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड को हाफ बनाता है। और हाफ का मतलब क्या है, हाफ का मतलब है कि द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट सिग्नल इज 1/2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल, एंड सेम हेयर। मैं देखो यहां फिर लिख रहा हूं सेम हेयर, आपके जहन में फिर आएगा कि सर व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग द टू, तो ये आपका काम नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि भाई इनके आउटपुट सिग्नल की क्वालिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है एज कंपेयर टू दिस, वो हैवी लोड्स हैवी सर्किट्स में रेक्टिफिकेशन करता है, यही चीज करता है, ये लो सर्किट्स में करता है वगैरह वगैरह, जहां आपको एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर या हाई लोड्स रन करने की जरूरत होती है, सो यहाँ ये बेस्ट काम करता है। और ये जनाब आम ऑर्डिनरी सर्किट्स में रेक्टिफिकेशन करता है, हालांकि आउटपुट बिहेवियर और वर्किंग मैकेनिज्म दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं। इसके बारे में सोचना आप पर हराम है, तो हम टू द पॉइंट जाते हैं। ये एक और डिफरेंस हुआ। फर्दर मोर माय डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट सिग्नल का जो ग्राफ है वो क्या होगा, आउटपुट सिग्नल का जो ग्राफ है वो होगा, इनपुट तो सेम होगा, इनपुट का सिग्नल तो सबके लिए सेम है, इनपुट के वक्त के साथ साथ कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, उसी इनपुट को हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाता है या क्या बनाता है, तो याद रखिए इसका आउटपुट सिग्नल होता है ये टाइम, और ये है माय डियर स्टूडेंट आउटपुट, ये आउटपुट सिग्नल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका भी माय डियर स्टूडेंट ये आउटपुट सिग्नल आउटपुट है, और ये है टाइम, टाइम एक्सिस। यहां मैं पहले से बता दूं कि मैं ड्रा नहीं कर रहा, लेकिन वंस अगेन मैं कह रहा हूं सेम एज फुल वेव रेक्टिफायर, जो इधर बनाऊंगा बस वो उसके लिए भी ठीक है। ये है टाइम एक्सिस, फर्ज करो क्लॉकवाइज आपका पसंदीदा डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज से ये कहेगा गुजर जाओ, गुजर गया, अब एंटी की बारी है, तो एंटी के लिए ये इस आउटपुट को क्या रखेगा, यहां रहेगा जीरो, यहां जीरो रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर इसको अलाउ ही नहीं करता, एंटी क्लॉकवाइज आपका डिजायर्ड नहीं है तो बस ब्लॉक कर दिया,
फिर क्लॉकवाइज शुरू होगा, तो फिर इसे कहेगा कि तुम तो अलाउड हो, तुम जा सकते हो, ये लो जनाब तुम चले गए, और ये अगेन क्लॉकवाइज है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन एंटी की बारी आएगी, तो एंटी में ये फिर दुश्मनी पर उतर आएगा, और वंस अगेन ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज अनडिजायर्ड डायरेक्शन द आउटपुट विल रिमेन जीरो। तो एसी डीसी में बदलेगा, और इसे इसलिए हाफ वेव कहते हैं कि हाफ वेव में सिग्नल है, हाफ में नहीं है, फिर हाफ में है, फिर हाफ में नहीं है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट फॉर्मेट है। ओके, इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर क्लॉकवाइज इज डिजायर डायरेक्शन अलाउड, चला गया, एंटी को जाया नहीं करता, एंटी क्लॉकवाइज अनडिजायर्ड, इधर हम डॉट करते हैं। ये बात याद रखें कि डॉट का मतलब होता है कि यहां कुछ था जो अभी नहीं रहा, ये परछाई की तरह है, जैसे किसी जगह किसी फर्श पर एक बॉडी बहुत अरसे से पड़ी हो और आप उसको वहां से हटा दो तो पूरे कमरे का फर्श कुछ और दिखाई देता है, और साफ वो जगह आपको ये अलामत देता है कि यहां से कुछ हटाया गया, कुछ था जो अभी यहां नहीं है। इसी तरह है ये डॉट्स, यानी डॉट हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां कुछ था जो अब नहीं रहा, तो कहां चला गया? फुल वेव रेक्टिफायर आपके अनडिजायर्ड को डिजायर्ड में बदल देता है, और यहां पल्स जीरो नहीं होता, आउटपुट जीरो नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, और ये इसको अलाउ करता है कि तुम चले जाओ, तुम कन्वर्ट होकर चले जाओ। इस तरह एंटी क्लॉकवाइज को कन्वर्ट किया गया है, किस चीज में? क्लॉकवाइज, और अलाउड टू पास। फिर माय डियर स्टूडेंट क्लॉकवाइज तो आपका पसंदीदा डायरेक्शन है, वो तो अपना ओरिजिनल पास होगा, वंस अगेन एंटी क्लॉकवाइज मिसिंग हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू क्लॉकवाइज, और इट इज द बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर ट्रिप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में भी यही कहानी है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट उसकी थोड़ी बहुत बातें ज्यादा है, हमें उस तरफ जाना नहीं है। सो द सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ब्रिज रेक्टिफायर एज वेल, ये भी है और वो भी है, आप समझ गए हैं, ये अच्छी बात है। ये आउटपुट है फॉर द ट्री। फर्दर मोर सर्किट एनालिसिस देखें कि ये होता कैसे है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट ड्रा करना वेस्ट ऑफ योर टाइम है, इन दोनों का ड्रा कर लेते हैं। फर्ज करो ये है हमारे पास एक बल्ब, और इस बल्ब के साथ ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की कहानी है हमारे स्टूडेंट्स। जब ये साइड पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो इधर से करंट जा रहा है, और ये कौन सा सिग्नल है? ये इनपुट है, गौर करेंगे आप, इस तरफ को हम ये क्लॉकवाइज सिग्नल है, ये इनपुट के साइड पे ये क्लॉकवाइज है, अभी पॉजिटिव से करंट जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, बल्ब से ऐसे गुजरेगा हमारे डियर स्टूडेंट्स ऐसे, और ये आउटपुट है, ये क्या है? ये आउटपुट है। यहां पर डिवाइस पर हमें क्या होता है? यहां आउटपुट हमें मिलता है, तो आउटपुट में आपको मिल गया क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ऐसे पलट कर आएगा, यूं आएगा और यूं जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप जानते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, पोलैरिटी बदल जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएगा, बादशाह फकीर और फकीर बादशाह बन गया है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, ये पॉजिटिव अब करंट इस तरफ डेवलप करेगा, अगर इनपुट साइड पे ऊपर वाला करंट क्लॉकवाइज था तो इनपुट साइड पे नीचे वाला करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, आपने एंटी क्लॉकवाइज बोला, मैंने सुना तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ये नीचे की तरफ है। अब क्या होगा? वही होगा जो इस सर्किट और खुदा को मंजूर होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट वो आएगा, ऐसे आएगा, अब ये इस डिवाइस से आउटपुट जगह पर ऐसे गुजरेगा, अगर वो पल्स क्लॉकवाइज था तो ये पल्स एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है, और यूं आएगा ऐसे। तो आप देख रहे हो कि इनपुट सिग्नल वक्त के साथ साथ इनपुट कभी क्लॉक कभी एंटी, कभी क्लॉक कभी एंटी, कभी क्लॉक कभी एंटी। तो अगर मैं इस इनपुट का ग्राफ बनाऊंगा टाइम के साथ, तो आप मुझसे कहेंगे सर इनपुट तो यही कर रहा है ना कि कभी क्लॉक में जाता है, कभी एंटी में आता है, कभी क्लॉक में जाता है, कभी एंटी में आता है, ये इनपुट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर ये इनपुट का ग्राफ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं।
अब आते हैं आउटपुट की तरफ। अभी रेक्टिफायर कहाँ है? अभी रेक्टिफायर बनाऊंगा, मेरा इरादा है कि इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बना दूं, इस सर्किट को हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना चाहता हूं। क्या करूं? कहीं सर एक डायोड यूज करें, तो यूज कर रहा हूं। देखिएगा यहां पर फर्ज करो मैं डायोड इस्तेमाल कर रहा हूं, इस तरह मैंने ऐसे डायोड लगा दिया। अब जब ऐसे डायोड मैंने लगा दिया तो क्या होगा? दोस्तों भैया दिखना, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि डायोड के एरो में करंट आएगा, दैट इज अलाउड टू पास। एरो के अपोजिट आएगा, यू हैव टू ब्लॉक, दैट करंट इज नॉट अलाउड। होगा क्या? अब कहानी फिर से शुरू करते हैं, सारा सिलसिला फिर से शुरू। सारा ठीक शो, इनपुट तो यही रहेगा, मैंने वोल्टेज नहीं बदला अल्टरनेटिंग, तो इनपुट तो यही रहेगा। थोड़ी देर के बाद क्लॉकवाइज प्रिंटी, क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज प्रिंटी, तो कहानियां तो यही रहेंगी। लेकिन होगा क्या? और देखें, जब यहां ये पॉजिटिव है, आप मेरा साथ देंगे फोकस देकर, करंट यहां से रवाना होगा, तो जो करंट आ रहा है, द एरो ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो ऑफ डायोड, तो इट इज अलाउड। डायोड कहेगा जाओ जाओ शाबाश, ऐसे ही करंट आते जाओ, डायोड से करंट पास होगा और इलेक्ट्रिकल डिवाइस बतौर आउटपुट सिग्नल ये करंट ऐसे पास होगा और आउटपुट सिग्नल में आपको क्लॉकवाइज मिल गया। सो मैं अगर इधर आउटपुट के लिए ग्राफ बनाऊंगा वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज गुजार दिया, तो ये लो जनाब क्लॉकवाइज का पल्स मैंने बना दिया, गुजर गया क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी के साथ क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज ने पोलैरिटी बदल दी और करंट इधर से आएगा, तो जरा इस करंट पे गौर फरमाइएगा, ये करंट ऐसे आया ऐसे गया ऐसे आया ऐसे गया, यूं आया, जब इधर आएगा तो ये एरो के अपोजिट आ रहा है। यानी इस दौरान जब इनपुट ने एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, तो माय डियर स्टूडेंट आउटपुट सिग्नल का जो करंट है वो डायोड से अपोजिट एरो में आ रहा है। करंट का एरो डायोड के एरो के अपोजिट है और यहां ये मोहतरम करंट क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ज्यादातर स्टूडेंट ये मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि सर करंट तो यहां ब्लॉक हो गया ना, इट मीन के करंट इस बल्ब से तो गुजर गया, तो इट मीन के अगर क्लॉकवाइज गुजरा तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो गुजर गया। नहीं माने स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि सर्किट पाइप है, पाइप्स, ये वाटर पंप है और ये सारे पाइप्स हैं और इस पाइप में वाटर पंप पानी सर्कुलेट करता है, तो अगर आप उस पाइप पे यहां पाव रख दो या इसको मिट्टी में पकड़े यूं जकड़ ले और प्रेस कर ले इसको, तो प्रेसिंग आप इधर करोगे और फ्लो हर जगह उसी वक्त रुक जाएगा। सो अगर ये डायोड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च्ड है तो ये यहां ब्लॉकेज कर रहा है, इट मीन के पूरे सर्किट को ब्लॉक कर रहा है और पूरे सर्किट में भी चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब ये करंट अपोजिट साइड पे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इस डिवाइस से नहीं गुजरेगा और आपका ये बल्ब इस दौरान क्या रहेगा, आप देखते जाओगे कि ये ऑफ रहेगा। और ऑफ का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज का जो दौर था, ये जनाब वो दौर था जो पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से गुजर रहे थे और इस दौरान हमें कुछ नहीं मिला, तो ये वो दौर है। यूं समझ लें कि इस दौरान डिवाइस हर किस्म की महरूमियों का शिकार रहा और इसको कोई पूछने वाला ना रहा और बेचारा ऑफ हुआ, बर्बाद हुआ। एनीहाउ एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक्ड, खत्म। फिर पोलैरिटी बदलेगी, पोलैरिटी बदलने से फिर करंट यूं जाएगा तो ये अलाउड टू पास। सो एंटी क्लॉकवाइज करंट देखो नहीं है, खत्म। लेकिन क्लॉकवाइज दोबारा पास होगा, सेकंड पल्स पास होगा, एंटी के बाद फिर क्लॉकवाइज करंट का पल्स पास होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज पास होगा, एंड इट विल बी द आउटपुट सिग्नल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यही कहानियां हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में कि उसमें क्या होगा। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड है, वही बल्ब है जो हम बना रहे हैं, इधर बनाऊंगा, लेकिन आई एम डिस्कसिंग फुल वेव रेक्टिफायर। ये वही बल्ब है, ये वही बल्ब है और इसी बल्ब के साथ वही वही अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है, सर्किट वही है। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस है इनपुट,
इसका साइकिल कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का हो, या ये कभी पॉजिटिव की तरफ और कभी नेगेटिव की तरफ। तो इनपुट सिग्नल वही रहेगा ना, आप समझ सकते हो कि सर इनपुट सिग्नल तो अल्टरनेटिंग है, और इनपुट के लिए ग्राफ बनाओगे तो देर पर भी कभी क्लॉक कभी एंटी, कभी क्लॉक कभी एंटी एंड सो ऑन एंड सो ऑन, पदेदा सुकोएंगे। अब मैं चाहता हूं फुल वेव रेक्टिफायर बनाओ, डबल डायोड सिस्टम यूज करूं, तो देखो क्या होगा, कर सकता हूं यहां पर एक डायोड लॉन्च करूंगा ऐसे, इस सर्किट को फ्री करूंगा, इस टर्मिनल को फ्री करूंगा, बल्ब का ये साइड में अर्थ कर दूंगा। डू यू नो कि अर्थ का मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड अर्थ इज ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नेगेटिव चाहो दे सको दे देना, जितने लेना चाहो ले सको ले लेना, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अर्थ इज अ बेस्ट रिसीवर ऑफ करंट, बेस्ट रिसीवर ऑफ करंट। और आसान कर दूं, सो अर्थ इज अ परफेक्ट लो पोटेंशियल, और करंट हमेशा लो पोटेंशियल पे जाकर सुकून और इत्मीनान का सांस लेता है। सो लेट मी प्रोसीड, मैंने इसको अर्थ कर दिया और यहां एक और डायोड लगा रहा हूं, और इस डायोड का आउटपुट इसके साथ टच नहीं कर रहा, यूं ले जा रहा हूं और बल्ब के अपर साइड के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। इससे पहले जो सर्किट मैंने बनाया था जिसमें मैंने वन डायोड लगाया, उसका प्रोसेस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और वो खुद हाफ वेव रेक्टिफायर है, और इसमें जो सर्किट बना ये सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर है, और इसमें जो प्रोसेस है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब काम करते हैं। जब इधर से इनपुट सिग्नल क्लॉकवाइज में आएगा, यूं आएगा, तो देखो ये डायोड के सेम डायरेक्शन में है, ये इसे कहेगा तुम गुजर जाओ यार, तुम्हें कौन रोक सकता है। जब ये करंट इधर आएगा तो इस तरफ आना ममनू है, क्योंकि डायोड के अपोजिट साइड पे है, तो ये पूरा रास्ता इस करंट के लिए ब्लॉक है, तो मजबूरन ये करंट डिवाइस के पास जाएगा और डिवाइस से गुजरेगा क्लॉकवाइज। कौन सा करंट गुजरा? क्लॉकवाइज गुजरा, और इनपुट सिग्नल क्या है? क्लॉकवाइज, इनपुट का क्लॉकवाइज है, और आउटपुट में वो क्या है? क्या है? क्लॉकवाइज है, ये टाइम है, और आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्लॉकवाइज डिवाइस से पास हुआ तो बनाने हर्ज क्या है, किसने रोका है, क्लॉकवाइज बन गया हमारे स्टूडेंट्स, बन गया। अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। जैसे ही इनपुट सिग्नल एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा और करंट यहां से आना शुरू करेगा, तो ये करंट जो है, आप गौर करें, मुलाहिजा करें, ये इस डायोड के सेम डायरेक्शन में है और एरो डायोड सेम है, तो ये से कहेगा जाओ जाओ ऐश करो, ये करंट इधर आएगा। फिर दो रास्ते मिलते हैं, इस तरफ से जाना हराम हो गया क्योंकि डायोड के अपोजिट साइड है, तो अब ये रास्ता करंट के लिए ब्लॉक हो चुका है, मजबूरन इस करंट को फिर नीचे आना पड़ेगा। आप गौर से देखिए, इनपुट में एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर क्लॉकवाइज नीचे एंटी क्लॉकवाइज, इनपुट में एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन डिवाइस में वही इनपुट इस सेकेंड डायोड ने क्या किया, वही एंटी क्लॉकवाइज इस सेकेंड डायोड ने डिवाइस के लिए इसको भी क्या बना दिया, क्लॉकवाइज बना दिया। तो अपना क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज को भी इस डायोड ने क्लॉकवाइज बना दिया, और यूं कहो कि आने वाला सिग्नल तो इधर आना चाहता था, जहां आप ये परछाई और ये डॉट्स बना रहे हो वो तो इधर आना चाहता था, लेकिन हमारे सेकेंड डायोड ने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया और इसे क्लॉकवाइज बनाकर अलाउड कर दिया। फिर जब टर्न करेगा तो ये फर्स्ट डायोड क्लॉकवाइज को पास कर देगा, और फिर जब टर्न करेगा तो ये सेकेंड डायोड एंटी क्लॉकवाइज इनपुट को क्लॉकवाइज बनाकर आउटपुट के तौर पर शिफ्ट करेगा। सो इट मीन वो अगेन डॉटेड लाइन मीन के यहां कुछ था जो नहीं रहा और अब वो यहां आके शिफ्ट हो गया। सो इट विल बी द आउटपुट पल्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, और आप देख रहे हो कि इसमें मिसिंग नहीं है। जब मिसिंग नहीं है सो वी कैन कॉल इट हाफ सॉरी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एंड द सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। मैं ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट नहीं ड्रा कर रहा क्योंकि वो आपके फिजिक कोर्स में ही नहीं है और सिलेबस तो दूर की बात, सिर्फ उसकी कुछ बातें ही याद रखें, आपको बता दिया। द सेम ग्राफ विल बी देयर फॉर ब्रिज रेक्टिफायर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स याद रखें, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंसेस क्या है, एक जनरल पॉइंट आपको बताऊंगा। सो गौर करें, पॉइंट नंबर 7, मैंने टाइप्स डिस्कस किए और उनमें डिफरेंसेस आपके सामने रख दिए। पॉइंट नंबर 7,
There are three resistances in rectifiers. Rectifiers में तीन तरह के resistors होते हैं. वो three resistances क्या हैं? एक resistance of diodes है, एक resistance of load है, और एक resistance net है, load plus diode. नेट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस और डायोड रेजिस्टेंस. तो याद रखना, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स हैं? चार. और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने हैं? टू. हाफ वे में कितने हैं? एक. सो अगर डायोड्स के रेजिस्टेंस को देखोगे, सो डायोड्स रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम फॉर ब्रिज रेक्टिफायर. इट इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ फुल रेक्टिफायर एंड इट इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ हाफ रेक्टिफायर. क्योंकि एक डायोड का रेजिस्टेंस है, ये दो डायोड के रेजिस्टेंस है और ये चार डायोड के रेजिस्टेंस है. सो ऐसा होगा. ओके, फर्दर मोर, लोड रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है, इट इज क्वाइट वेरिएबल. अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर से दो बल्ब लगा रहे हो और फुल वेव रेक्टिफायर से एक बल्ब लगा रहे हो, तो डेफिनेटली दो बल्ब इन सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. लेकिन आप दो फुल वेव से लगा दो, सिमिलरली ब्रिज रेक्टिफायर, तो लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है. और वेरिएबल का मतलब है कि ये कुछ भी हो सकता है. ये क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है. अब बहुत आसान बात है, नेट इज आल्सो अनरिलायबल, नॉन रिलायबल. ये भी वेरिएबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम हो सकता है, पाबंदी नहीं है. रीजन क्या है? द रीजन इज दैट नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ, मैं कंबाइन फॉर्म प्लस लिख रहा हूं, इट मीन के ये सीरीज में है या पैरेलल में है, आई वांट नॉट टू डिस्कस इट, बट कंबाइन फॉर्म लिख रहा हूं. और इसमें है डायोड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस. तो अगर ये आपको फिक्स्ड पता है कि फ्ला का ज्यादा है फ्ला का कम है, लेकिन ये तो नॉन रिलायबल है, अनरिलायबल है. लोड रेजिस्टेंस कभी कम कभी ज्यादा, किसी में कम किसी में ज्यादा. तो अगर ये रिलायबल नहीं है तो नेट भी रिलायबल नहीं है. सिंपल बात करूं, द रेजिस्टेंस ऑफ फुल एंड हाफ मे बी इक्वल, मे बी हाफ का ग्रेटर, मे बी फुल का ग्रेटर. डिपेंड करता है आप कौन से रेजिस्टेंस की बात किस सिचुएशन में कर रहे हो. कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके साथ शेयर करता हूं. और ये है आपका रेक्टिफिकेशन. मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि आने वाले टेस्ट में आप इस डिस्कशन से दो तीन एमसीक्यूज फेस करोगे इन आइडियाज से, और वो आपकी हेल्प करेंगे, ये मेरी खुशी होगी. क्वेश्चन मैंने एक किया था, चलिए क्वेश्चन नंबर टू इस लेक्चर का. क्वेश्चन नंबर टू, अगर मैं आपसे कहूं द रेशो ऑफ डायोड्स इन फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर इज, तो ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1 और ऑप्शन डी 4:1. तो आप कहेंगे सर रेशो ले रहे हो और फुल वेव रेक्टिफायर का के अंदर दो होते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में फोर होते हैं. सो द रेशो इन 1:2, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अगर मैं क्वेश्चन नंबर थ्री आपके लिए करूं, और क्वेश्चन नंबर थ्री है मेरा दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, the frequency of input signal for half wave rectifier is 10 hertz. What is the time period? What is the time period of output signal? ये तो सब पूछ लेते हैं ना कि input frequency ये है, output frequency क्या है. मजा तो तब है कि input में आपको frequency मिले और output में आपसे time period पूछे. So, थोड़ा सा ट्विस्ट बन जाता है. ऑप्शन ए इट विल बी 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी इट विल बी इक्वल टू 1/20 सेकेंड. असल में मुझे पता नहीं है कितना है, तो 1/20 ये पॉइंट लगा दें, 0.05 आता है, आप जीरो लगा दें पॉइंट, फिर एक और जीरो लगा दें 0.5, बिल्कुल इसको जगह लेके 0.05 सेकेंड. ऑप्शन सी इट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स.
और ऑप्शन डी नाना भी। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, जब आपको टाइम पीरियड बता रहा है तो सिग्नल इनपुट का टाइम पीरियड जान लें और फिर रेक्टिफायर देखें कि कौन सा है, फिर आसान होगा। तो आप कहें सर इनपुट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर इनपुट फ्रीक्वेंसी, और 1 ओवर इनपुट फ्रीक्वेंसी 10 है तो 0.1 सेकेंड। फिर आप देखें कि कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ रेक्टिफायर। और आपने पढ़ा कि हाफ रेक्टिफायर में टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं होता तो आउटपुट टाइम पीरियड इज इक्वल टू इनपुट टाइम पीरियड एंड दैट विल बी 0.1 सेकंड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फर्दर मोर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 अबाउट रेक्टिफिकेशन। अगर मैं कहूं दैट इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज, देन इनपुट टाइम पीरियड, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट टाइम पीरियड क्या होगा? थ्री क्वांटिटीज आपसे मांग रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या होगा? इट इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड और इट विल बी 100 हर्ट्ज एंड इट इज 0.01 सेकेंड। और ऑप्शन डी 0.01 सेकेंड, इट विल बी 200 हर्ट्ज और 0.005 सेकेंड्स, 0.005 सेकेंड्स। ऑप्शन सी 0.01 सेकेंड और 50 हर्ट्ज और 0.02 सेकेंड्स। मैं एहतियातन नाम ले रहा हूं क्योंकि मुझे एक वैल्यू पे शक है, जहन में कैलकुलेट तो किया, गलत भी हो सकता हूं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती की हो तो इसे ट्राई कीजिएगा प्लीज। मैं मेथड बताता हूं, मेथड आपको पता भी होगा इंशाल्लाह डिस्कशन के बाद। आप कहें सर पहले वैल्यू इनपुट टाइम पीरियड की है, हम जानते हैं कि इनपुट टाइम पीरियड इज 1 ओवर इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट टाइम पीरियड इज 1 ओवर इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो क्या करें, पुट करें, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 है तो इट इज 0.01 सेकेंड। तो 0.01, लेकिन तीनों ऑप्शन में 0.01 है, फैसला नहीं हुआ, मजा नहीं आया। इनपुट टाइम पीरियड के लिए 0.01 ये तो ठीक है। अब आप देखिए आउटपुट टाइम पीरियड फैसला करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। लिहाजा आउटपुट टाइम पीरियड इज इक्वल टू इनपुट टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2 और 0.01 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्या होता है यही मुझे नहीं पता, तो एनी हम सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए। 0.01 डिवाइड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू, इसको हटा दे नीचे 100 आ जाएगा तो ये 1/200 बन जाएगा। सॉल्व कर रहा हूं, 1/200, इसके साथ 0 ऊपर पॉइंट, एक और 0 ऊपर पॉइंट और एक और 0 ऊपर 0 और 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1000। वेरी गुड। तो ये है जनाब हमारे पास 0.005 सेकेंड। कभी कभी खुद को गोट देना भी अच्छा होता है। एनी हाउ 0.005 सेकेंड यही आउटपुट टाइम पीरियड होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इनपुट टाइम पीरियड ये है, आउटपुट टाइम पीरियड ये है, और आप जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को डबल करता है। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 200 होगी, लिहाजा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक है और ये दुनिया के हर कानून के मुताबिक ठीक है और करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह रेक्टिफिकेशन के इस टॉपिक में आपकी कमियां जो है वो पूरी हो गई होंगी और मुझे आपकी कुछ ना कुछ दुआएं नसीब होंगी। सो लास्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 है, आई डोंट नो। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक सर्कल बना लेता हूं. लेट मी कंसीडर इट इज अ रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस दिस टाइप ऑफ डायोड एंड आल्सो दिस टाइप ऑफ डायोड. Connected with an alternating voltage. Connected with an alternating voltage. ये resistor है. और मैं question इस circuit में ही लिख लेता हूं. Which current will not pass in this circuit? Which current will not pass in this circuit? इस सर्किट में कौन सा करंट पास नहीं होगा? तो ऑप्शन सुने क्लॉकवाइज ओनली और ऑप्शन डी एंटी क्लॉकवाइज ओनली और ऑप्शन सी बोथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. जो पास नहीं होगा वो बताना है. और ऑप्शन डी नाइदर क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज. तो इजी है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है. इस वोल्टेज की पोलैरिटी ये पॉजिटिव बताते हैं. अगर ये पॉजिटिव है तो करंट जो है इस सर्किट में ऐसे आएगा, लेकिन करंट डायोड के एरो के अपोजिट. तो ये डायोड दरवाजे बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये बहते हुआ पानी इन पाइप्स की तरह है. अगर एक जगह आपने प्रेस कर दी तो पूरे सर्किट में पाइप्स में पानी का फ्लो नहीं होगा. इट मीन कि ये डायोड इस तरफ आना एंटी क्लॉकवाइज है. ये डायोड एंटी क्लॉकवाइज को ब्लॉक करता है तो एंटी क्लॉकवाइज पास नहीं होगा. तब तक बेचारा वोल्टेज गुजारा कर लेगा कि बस नहीं दे रहे हो मेरा करंट, बस खामोश हो जाते हैं. फिर ये वोल्टेज पोलैरिटी बदलेगा कि चलो लेट मी ट्राई बाय द अदर वे. इधर से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो करंट रवाना हुआ, लेकिन ये करंट जब इधर आ रहा है तो इट इज आल्सो अपोजिट टू दिस एरो ऑफ डायोड और ये इसको ब्लॉक कर देगा कि तुम भी नहीं गुजर सकते. तो जनाब क्लॉकवाइज भी ब्लॉक हो रहा है इस डायोड की वजह से और एंटी क्लॉकवाइज भी ब्लॉक हो रहा है इस डायोड की वजह से. तो इस सर्किट में इस रेजिस्टर से ना क्लॉकवाइज पास हो सकता है ना एंटी क्लॉकवाइज. सो करेक्ट ऑप्शन होगा नाइदर क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.